हेलो एंड वेलकम टू वी लर्न. दिस इज़ वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क. दिस इज सेशन नंबर 16. सिख सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी इन इंडिया. टॉपिक्स टू बी कवर्ड आर हु आर सिख्स, आइडियोलॉजिकल बेसिक ऑफ सिखिज्म, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ रिलीजियस थॉट्स अमंग द सिख्स, सिख्स इंस्टीट्यूशंस, सिख वर्ल्ड व्यू एंड इकोनॉमिक ओरिएंटेशंस. सो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है, सिखिज्म का शुरुआत कहाँ से हुई है, सिखिज्म है क्या, सिख लोग क्या होते हैं. सो हम बेसिकली इस पूरी सेशन में पढ़ने वाले हैं कि जो सिखिज्म है वो कैसे आया, वहाँ के कौन से फेस्टिवल होते हैं, उनके गुरु कौन से थे, उनको कैसे किसी जाति में आगे डिवाइड किया गया. सो नाउ मूव टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड. द सिख आर दोज हु फॉलोड द टीचिंग ऑफ 10 लीडर्स हुम दे कॉल्ड गुरु. जो सिखिज्म की बात करते हैं उनके 10 गुरु होते हैं, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, और लास्ट में वो जाके हमारे जो गुरु ग्रंथ साहिब है उनको गुरु की तरह पूछते हैं. सो ऑल ऑफ दीज गुरु लिव्ड बिटवीन 1969 AD टू 1708 AD इन पंजाब. दिस स्टेट इज द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया. इन 1949 पंजाब वॉज डिवाइडेड इन इंडिया एंड पाकिस्तान. मैनी सिख्स हु हैड लिव्ड इन वट बिकम पाकिस्तान वर मेड होमलेस. दे हैड टू माइग्रेट टू डिफरेंट कंट्रीज. सिख हैव सेटल्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड इंक्लूडिंग द यूनाइटेड किंग्स, कैनेडा एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जर्मनी एंड केनिया. जो हम सिखिज्म की बात करते हैं तो सिखिज्म बहुत वर्ल्ड वाइडली फैला हुआ है. आप सिख पीपल को हर जगह देख सकते हैं, अमेरिका में, USA में, जर्मनी में, वो हमेशा हर जगह दिखाई पड़ जाते हैं. सो एज पर 1981 सेंसस वी फाइंड दैट सिख पॉपुलेशन बाय हेड ऑफ हाउसहोल्ड वाज 1.96% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया. सो द टर्म ऑफ परसेंटेज इंक्रीज ओवर 1971 टू 81 इज लीड बीन मोस्ट ऑफ सिखिज्म 242.5 विच हैज 0.10% ऑफ सिख्स. जो यहाँ पे कुछ स्टैटिकल डेटाज दिए हुए हैं किन तरीके से सिखिज्म हमारे यहाँ बढ़ता जा रहा है. सो आइडियोलॉजिकल बेसिक ऑफ सिखिज्म. सो सिख रिलीजन क्लियरली रिप्रेजेंट अ केस ऑफ फैशन एंड फ्यूजन ऑफ रिलीजियस आइडियोली ऑफ इंडियन सोसाइटी. अराउंड 500 ईयर्स अगो इट हैड इट्स ओरिजन इन द वाइडर रिलीजियस रिवॉल्ट कॉल्ड बखी मूवमेंट which was primarily detected against the bigotry and caste-based narrowism in which then Hindu religion is a specific religion was suspected. Sikhism strongly denounced with caste-sanctioned equality and declared a fraternity of God's being. In this, there were neither any barrier nor any caste-based system of inequality. Sikhism also declared an open revolt against an endless array of inhuman practice carried on in the name of religion, most of which were simply repugnant to human sensibility and sensitivity. Sikhism was founded by Guru Nanak, who was born in the year 1469 in the place called Alwandi Nankana Sahib, Nankana Sahib now in Pakistan. सिखिज्म की जो फाउंडेशन थे वो गुरु नानक देव जी थे, जो जिनका जन्म 1469 में हुआ था, ननकाना साहिब में हुआ था. जो उनके फादर थे, हिज फादर हाई स्टेट हिंदू कॉल्ड कल्याण चंद. जो उनके फादर थे वो बड़े क्षत्रिय, एक बड़े लैंडलॉर्ड पर्सन थे. सो नानक रिसीव्ड एन एजुकेशन इन द ट्रेडिशनल हिंदू लोर एंड रिडिमेंट्स ऑफ इस्लाम्स. जो उनकी परवरिश थी बहुत अच्छे से हुई, उनको अच्छी एजुकेशन दी गई. सो एट
सुल्तानपुर नानक हैड हिज फर्स्ट विजन ऑफ गॉड इन विच ही वॉज ऑर्डर्ड टू प्रीच टू मैनकाइंड. वन डे ही डिसअपियर्ड इनटू वाटर व्हाइल बाथिंग इन द स्ट्रीम. रीअपियरिंग फ्रॉम इट ऑन द थर्ड डे ही proclaimed, there is no Hindu, there is no Muslim man. Principle of religion, morality in Sikhism are not taught or pre-act as abstraction. In another incident, Nanak demonstrated the sanctity of honesty and bred another central canon of Sikhan faith. देखिए सबसे पहले जो सिखिज्म की बात करते हैं तो एक बार गुरु नानक देव जस्ट नहा रहे थे, वो सडनली डिसअपियर हो जाते हैं और तीन दिन बाद वापस वो वहाँ पे रीअपियर होते हैं. और देन वो स्टोरी बताते हैं कि भगवान कोई सिख नहीं होता, कोई बेसिकली हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, सभी एक ही भगवान के सारे औलाद हैं. सो इस टाइम के गुरु नानक देव जी ने अपने विचारों को लोगों को प्रकट किया. उसके बाद एक सेकंड इंसिडेंट होता है कि गुरु नानक देव के जो फादर थे उन्होंने उन्हें कुछ मनी दिया कुछ बिजनेस करने के लिए, और उन्होंने वो मनी जो था ह्यूमन बींग के वेलफेयर के अंदर लगा दिया. उन्होंने उस मनी से पीपल्स को खाना खिलाया, भूखे लोगों को खाना खिलाया. वाइल स्टॉपिंग ओवर अ टाउन ड्यूरिंग वंस ऑफ हिज स्पिरिचुअल वेंडरिंग, वो बीच में किसी टाउन पे रुकते हैं और वहाँ पे लोगों को खाना खिलाते हैं. उस खाने को आज हम लंगर के नाम से बोलते हैं. सो अनदर सेंट्रल कैनन ऑफ सिख फेथ हैज अ डायरेक्ट रिवलेंस ऑन द कनेक्शन बिटवीन द रिलीजन परसेंट एंड प्रैक्टिकल डे टू डे मॉडलैरिटी. दिस इज अ पॉजिटिव इंजेक्शन by gurus of virtual arrangement into the duties of household rather than withdraw from the world as idolized in Hindu or in Buddhism. Nanak concept of God is proximate to concept of Sudha Advaita, which is important school of Hindu Vedic philosophy. So according to Nanak, hold that only entity which exists in the world is that of God, and that what everything else is one of the another pratiks of that entity. फिर गुरु नानक देव के अकॉर्डिंग जो भी इस दुनिया में लाई करता है वो एक गॉड का स्वरूप है, भगवान ने उसको बनाया है, और जो भी अनदर थिंग है वो उस पर्टिकुलर उसी एंटिटी के साथ जो प्रतीक हैं. So every religion or religious system center around a square text or set of tests having governing or regulating effect on the follower and their life. So जैसे हर एक religious के कुछ follower होते हैं, इसी type से Sikhism भी फैलता चला गया, इसके भी कुछ follower बनने लग गए. So squares spiritual of Sikh the adigant as a reventry called ग्रंथ साहिब वॉज कंपाइल्ड बाय फिफ्थ सिख गुरु गुरु अर्जन देव. ही इज द स्प्रिट नोन एज गुरुमुखी. और उसके बाद जो गुरुओं के पांचवें गुरु आए, सिखिज्म के पांचवें गुरु आए गुरु अर्जन देव जी, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना की, गुरु ग्रंथ साहिब को लिखा. जिस लैंग्वेज पे लिखा वो थे हमारे पास गुरुमुखी. सो जो हमारे पास एक अब नेशनल लैंग्वेज में हमारी मान्यता मिल गई है. हाउएवर ह्यूमंस इंक्लूड्स द ग्रंथ आर इन सेवरल लैंग्वेजेस सच एज प्रिजनल ओल्ड पंजाबी मेडवल हिंदी मराठी. अदरवाइज जो इसकी ह्यूमंस हैं वो अनदर अनदर लैंग्वेज में आए. सो द ग्रंथ इज हैंडल्ड बाय डिवोटेड मोर लाइक अ पर्सन देन अ बुक. इट इज प्लेस्ड ऑन द कम्फर्टेबल सीट. जो हम लोग गुरुद्वारे में जाते हैं तो गुरुद्वारे में एक कंफर्टेबल सीट के ऊपर, जिसके ऊपर फैन लगा होता है, अच्छी सी शीट होती है, क्लोथ बिछा हुआ होता है, उसके ऊपर रखा जाता है. जिसको जो सिखिज्म होते हैं वो बहुत अच्छे से पूछते हैं, अपने गुरु की तरह पूछते हैं. सो द ग्रंथ इज ओपन विद द फाइन एंड ग्रेसफुल मैनरिज्म टू चैंटिंग ऑफ स्पेसिफिक ह्यूम्स इन स्मॉल आवर ऑफ अ डे. जो दिन का कुछ टाइम होता है, सुबह का काम
टाइम होता है या रात में संध्या वेला होता है उस टाइम इन सबको गुरु ग्रंथ साहिब को बहुत ओनर के साथ ओपन किया जाता है और इसके कुछ ह्यूम्स को पढ़ा जाता है। सो यूनिक फीचर ऑफ सिख स्पिरिट विच इज नॉट शेयर्ड बाय एनी अनदर रिलीजियस स्पिरिचुअल lies in that it includes religions hymns not merely of Sikh gurus but also from several Hindus as Muslim sant who wrote commentaries of Sikh gurus। देखिए सबसे यूनिक बात जो हम लोग सिख धर्म की करते हैं कि उसमें कुछ दोहे जो हैं हिंदुइज्म के भी लिए गए हैं, कुछ चीज़ें इस्लाम धर्म से भी ली गई हैं। बेसिकली उसमें कबीर के दोहे भी इंक्लूड किए गए हैं, उसमें कुछ हमारे जो जीजस हैं उनकी बातें भी इंक्लूड की गई हैं। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन। जो हम लोग गुरु ग्रंथ साहिब की बात करते हैं उसमें गुड थिंग्स का कॉम्बिनेशन लाइक करता है। सो द डेली रीडिंग एंड रेक्टेशन फ्रॉम द ग्रंथ मेक नो डिस्ट्रक्शन व्हाटसोएवर बिटवीन ह्यूम्स ऑफ सिख गुरु एंड दोज ऑफ अनदर। दिस एस्पेक्ट ऑफ सिख स्पिरिचुअल इवेंट थॉट नॉर्मली व्यूड एज गुड एंड हुमेंटिक फीचर स्टिल रिमेन्स अ पजल। देखिए आज भी इसको एक पजल माना जाता है कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्प्रिट के लिखा गया है। सो यूनिकनेस थी हमारे धर्म की। सो देर इज ओनली वन गॉड और अलग पुरकेश और द टाइमलेस पिंग हु अलोन डिजर्व टू बी वर्कशिपोड। एक टाइम पे एक ही बंदा उस पर वर्कशिप करता है। द इंजेक्शन ऑफ मच आवर्ड 10th गुरु ऑफ सिख्स गुरु गोबिंद सिंह टू हिज फॉलोअर इज नॉट वर्थी एनीवन हु कॉल्स मी गॉड शैल प्रिज्म इन द फायर ऑफ हेल। द लाइंस ऑफ सिख गुरुज स्टार्टिंग फ्रॉम देयर फाउंडर गुरु नानक वेंट एज फार एज द 10th गुरु गुरु गोबिंद सिंह ही एंजॉयड अब सिख्स टू रेग्रेट regard scared granth as guru and turn it to for all advice and instruction for seeking direction of life। देखिए गुरु नानक से गुरु गोबिंद सिंह जो फर्स्ट गुरु से दसवें गुरु तक गुरु बनाए गए, उसके बाद जो दसवें गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह उन्होंने जो उनका गुरु ग्रंथ साहिब है उसी को ही गुरु मानने को बोला। सो restructuring of religious ethics among the Sikhism। So pacifist religion of Guru Nanak took to aim by time of Guru Har Gobind less than 100 year after Guru Nanak passing away in 1939 Sikhism accepted use of arm for her defense। The fifth Guru Guru Arjan Dev the father of Guru Har Gobind had earlier been executed by Muslim rules 50 years later in 1699 taking to arm was formally incorporated into the main corpus of Sikhism by Guru Gobind Singh via the instrument of Khalsa। देखिए उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की, उसमें उन्होंने जो सिखिज्म को एम्स रखने की भी आर्म्स रखने की भी परमिशन दे दी अपने डिफेंस के लिए। सो खालसा लिटरली मीन्स द प्योर फ्रॉम द प्रिजन खालस ऑल्सो मीनिंग प्योर। ऑन अप्रैल 13, 1699 गुरु गोबिंद सिंह बैप्टिस्ट द फर्स्ट बैच ऑफ 5 सिख एंड गेव देम द कॉमन सरनेम सिख सिंह मीन्स लॉयन कोर लॉयनस इज द कॉरस्पॉन्डिंग सरनेम गिवन टू द सिख वुमेन। तो गुरु गोबिंद सिंह ने सिख जो लोग होते हैं उनको जो सरनेम सिख दिया और जो लेडीज होती हैं उनको एक कॉमन सरनेम कोर दिया गया। तो फर्स्ट ऑफ किस इज केसा हेयर, पांच चीजों में उन्हें हेयर दिया गया। द खालसा मस्ट कीप द हेयर अनसोन, द खालसा हु कट्स दिस हेयर इज रेनिगेड, द होलीनेस ऑफ अनसोन हेयर इज ओल्डर देन गुरु गोबिंद सिंह द फाउंड ऑफ खालसा। द अनदर फोर आर कंगा कच्छा कृपान एंड करा। तो जो पांच इन्होंने चीजें दी वो क्या
जब फाइव के से फेमस हुई, फर्स्ट के था हेयर, सेकंड कंगा, थर्ड के कच्छा, देन कृपान, देन करा, दैट इज ब्रासलेट कड़ा. सो द बैप्शिम ऑफ सिक्स इंटू द मटेरियल क्वांटिटी ऑफ वेपर एंड फियरलेसनेस मीन्ट अ डिपार्चर फ्रॉम द अर्लियर पैसिफिस्ट ट्रेडिशन. द फर्स्ट ऑफ बैप्टिस्ट सिक्स वॉज ड्रॉन फ्रॉम फाइव डिफरेंट कास्ट ग्रुप. दिस अंडरस्कोर्ड द इनिशियल क्वांटिटी बिटवीन मैन ऑफ ओल्ड कास्ट एंड सीड्स आर कंप्रेसली ऑफ फाइंडिंग गुरु नानक. द सिक्स फॉर्म इन टू मिल्स फ्रॉम प्रिजन मिल्स मीनिंग बोथ एग्जाम्पल एंड इक्वल. दे बिगेन टू डिमांड प्रोटेक्शन मनी फ्रॉम टाउन्स एंड विलेज. द सीरीज ऑफ इन्वेकेशन बाय अहमद शाह दुर्बानी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयज मुगल एडमिनिस्ट्रेशन. द बैटल ऑफ पानीपत इन 1961 द अफगान्स क्रस्टेड द राइजिंग मराठा पावर इन द नॉर्थ. द गैप दस क्रिएटेड द सिख मूवमेंट एज अ रूल्स ऑफ पंजाब. द अनपॉक्ड मास्केस ऑफ 400 इनोसेंट पीपल बाय द ब्रिटिश एट जलियांवाला बाग अमृतसर ऑन अप्रैल 13 to 1919 सेट द सिख अगेंस्ट द ब्रिटिश. सेकेंडरी डिस्पेस ऑफ पॉपुलर सिख ब्रॉडकास्ट द ब्रिटिश साइडेड विद द महंट्स द हेरिडिटरी प्रेसिडेंट कंट्रोलिंग द गुरुद्वारास. सो उसके बाद सिखों जो मानते हैं उनके लिए गुरुद्वारा होता है जिसमें वो अपना होली ग्रंथ होता है उसको रखते हैं और उसके साथ गुरुद्वारा के साथ उनकी पूजा करते हैं. दे आर अ लॉट ऑफ फेमस गुरुद्वारास इन दिल्ली एंड दिल्ली में भी बहुत सारे फेमस गुरुद्वारे हैं लाइक बंगला साहेब और शीशगंज में भी हैं. सो ऑल आर रिटन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. गोल्डन टेम्पल हरमंदर साहेब गुरुद्वारा एट अमृतसर इज मोस्ट केयर्ड गुरुद्वारा ऑफ सिक्स. जो हरमंदर साहेब है उसको भी बहुत पूजा जाता है. गुरु ननकाना साहेब को भी पूजा जाता है. हरिमकुंड साहेब तो एक सारे गुरुद्वारों के नाम हैं जिनको बहुत अच्छे से पूजा जाता है. सो हेयर सिमिलरली रिटर्न. गुरुद्वारे में हम लोग के पास एक सरोवर रहता है जो एक हमारे पास होली लेक के लिए माना जाता है. सिमिलर इज रिटन इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. गुरुद्वारा जो टेम्पल बहुत सुंदर होता है दिखने में. सत संत नो एक्ट सिख वर्शिप इज कंप्लीट विदाउट द ओनली गेटिंग अ सत्संग विच इज वर्चुअली इक्विवेलेंट टू गॉड्स प्रेजेंस. सच अ गैदरिंग और सत्संग इज सुप्रीम. जो गुरुद्वारे के लोग होते हैं सिख लोग होते हैं वो सत्संग करते हैं. सत्संग में वो अपनी उसी गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा करते हैं, कुछ शब्द गाते हैं जो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, जो बहुत कर्णप्रिय रहते हैं. गुरु का लंगर एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. जब गुरु नानक देव जी को उनके फादर ने कुछ पैसे दिए थे बिजनेस के लिए तो उन्होंने वो पैसा लोगों को खाना खिलाने में लगा दिए थे. तब से लेके हमेशा सिखिज्म में एक लंगर की प्रथा चली आ रही है जिसमें वो हम लोग गुरु का प्रसाद समझ के वहाँ खाना खा सकते हैं गुरुद्वारे में. सिख वर्ल्ड व्यू एंड इकोनॉमिक ओरिएंटेशन. द बेसिक ओरिएंटेशन टू एंड एनर्ज इज इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉलोज एट लीस्ट पार्टी फ्रॉम वंस रिलीजियस नॉर्म्स एंड वैल्यूज. दैट इज व्हाट हैज बीन अ मेजर आइडिया इन मैक्स वेबर एनालिसिंग ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म इन टेम्पररी एम्पायर. नाउ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू पीपल, राइट थ्री लाइन्स ऑन गुरु नानक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड.
सेकेंड, डिस्कस द सिख ऑर्गेनिक ओरिएंटेशन इन 5 lines. सो टूडे वी विल वाइंड अप अवर सेशन हेयर. नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास. टिल देन हैप्पी लर्निंग, फ्री लर्निंग.